दोस्तों इलियाना डिक्रूज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बेहतरीन कलाकार है जो हाल फिलहाल अपने प्रेगनेंसी लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है। दोस्तों इलियाना तमिल तेलुगु और कन्नड़ा के साथ साथ कई हिंदी फिल्मों में भी काम करी है और आज की इस वीडियो में आपको इलियाना डिक्रूज की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले है। आखिर किस तरह मेहनत करके उन्होंने इस मुकाम को हासिल की है और वो फिलहाल किस तरह की लाइफ स्टाइल जीती है बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आपको भी इलियाना डिक्रूज पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों इनकी रियल नेम इलियाना डिक्रूज है और निक नेम इल्लू है और भी प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक मॉडल है। दरअसल इनकी जन्म 1 नवंबर सन 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और 2023 के हिसाब से इलियाना डिक्रूज अब 36 साल की हो चुकी है। दोस्तों इलियाना नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजियन से कैथलिक है। और बात करें इनकी जोड़क साइन के बारे में तो इनकी जोड़क साइन है स्कॉर्पियो। दोस्तों अगर बात किया जाए इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में तो आपको बता दें कि इनकी हाइट है 165 सेंटीमीटर्स यानी कि 5 फीट 5 इंचेस और वेट है 55 kg यानी कि 121 lbs। इनकी फिगर मेजरमेंट है 34, 24 एंड 34। इनकी आई कलर डार्क ब्राउन है और हेयर कलर ब्लैक है। और वही अगर बात किया जाए इनकी शिक्षा जीवन के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई गोवा मापुसा की एसटीजेबीएड्स हायर सेकेंडरी स्कूल से की है, जिसके बाद इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली और वहाँ से इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों इलियाना की जन्म भले ही मुंबई में हो लेकिन उनके पिताजी के प्रोफेशन के कारण उनको गोवा में जाकर रहना पड़ता था और इसी वजह उन्होंने अपनी पढ़ाई भी गोवा से पूरी की है। दोस्तों इलियाना डिक्रूज बचपन से ही फोटोशूट की काफी शौकीन थी और वो हमेशा बड़े होकर एक मॉडल बनना चाहती थी। दोस्तों इलियाना डिक्रूज जब मुंबई यूनिवर्सिटी में अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तब से ही उन्होंने बतौर मॉडल अपनी करियर की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों अगर बात किया जाए इनकी फिल्मी करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने सन 2005 में पहली बार के लिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू की थी देवदासु फिल्म से, जिसमें इन्होंने एज अ लीडिंग एक्ट्रेस काम की थी। दोस्तों देवदासु फिल्म में काम करने के बाद इनकी एक्टिंग लोगों ने खूब पसंद की और इनको दूसरी फिल्म की ऑफर मिलना शुरू हो गई। दोस्तों इन्होंने सन 2012 में पहली बार के लिए हिंदी फिल्मों में डेब्यू की थी बर्फी फिल्म से। और आपको बता दें कि इलियाना डिक्रूज बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए स्पेशली हिंदी लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी लिया है। दोस्तों आपको इलियाना डिक्रूज कैसी लगती है ये नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। दोस्तों इलियाना डिक्रूज के पिताजी के नाम है रोनाल्डो डिक्रूज और माताजी के नाम है समीरा डिक्रूज। दोस्तों इलियाना डिक्रूज का एक भाई है जिसका नाम है रियस डिक्रूज और इनकी दो बहन भी है जिनके नाम है फरा डिक्रूज और एलन डिक्रूज। दोस्तों इलियाना डिक्रूज फिलहाल मैरिटल स्टेटस की ओर से अनमैरिड है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है एंड्रयू नीबन और भी प्रोफेशन से एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इलियाना डिक्रूज बहुत जल्दी एक बच्चे की माँ बनने वाली है और इन्होंने खुद इस बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दोस्तों अगर बात किया जाए इनकी मैन्युफैक्चरर के बारे में तो आपको बता दें कि इलियाना डिक्रूज कोई भी फिल्मों में काम करने के लिए फीस की तौर पर 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करती है। और वही बताया जाए इनकी टोटल नेट वर्थ के बारे में तो 2023 के हिसाब से इनकी टोटल नेट वर्थ है करीब 20 से 25 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी आप सबके फेवरेट एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो के लिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखा करें।